Hello my dear students, welcome to my YouTube channel. This part of Python dictionary part 3 is in continuation with previous part where I have discussed various procedures, how to add element into the dictionary, updating an element in the dictionary, removing of an element, and use of in and not in membership operator in a dictionary. This part 3 of this Python dictionary deals with various kinds of functions, methods that can be utilized for the manipulation of the list elements, dictionary elements. Len function, clear, get, items, keys, values. So these are the various functions that can be utilized for various purposes in Python dictionary. Let us see their uses and a few examples. Pahla function hai len function, as you have used in case of list. It returns number of key value pairs in a given dictionary. Key value pairs kitane hai, unko return karne ke liye len function ka istemal karenge aap. Maan lijiye ki D1 ek dictionary hai, Aman 45, Raman 35, say these are their ages. And how many elements are there, how many key value pairs are there, unko aap count kar sakte hain using len function. Len of d1 likhenge, print kar rahe hain, so it will return an integer value 5 yahan par aa gaya. Isi tarah se ek dusri dictionary hai jisme 3 elements hain, 3 key value pair hain, so here I am getting the length as 3. So this is about the len function. It calculates the number of key value pairs, number of elements in the dictionary. Another function is clear function. It removes all the items from the given dictionary. Dictionary se sabhi items ko, sabhi key value pairs ko delete kar deta hai. Suppose D1 aapke paas aisi dictionary hai. Print kiya, you can see this is the dictionary having 5 key value pairs. Aapne likha D1.clear. तो सारे एलिमेंट्स क्लियर हो गए, बट द डिक्शनरी रिमेन्स बिहाइंड, स्टिल इट इज ऑक्यूपाइंग सम मेमोरी सेल. आईडी कहीं ना कहीं आपका ये D1 डिक्शनरी इज स्टोर्ड. तो आप प्रिंट करते हैं D1 को, तो इस तरह से ये एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट आता है. दैट मींस डिक्शनरी D1 ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द मेमोरी. और इसका आप आईडी भी देख सकते हैं, आईडी ब्रैकेट में D1 लिख करके यू विल फाइंड सम आईडीज, मेमोरी सेल इज अलोकेटेड फॉर दिस डिक्शनरी D1. इसके लिए कोई ना कोई मेमोरी सेल ऑक्यूपाइड है. तो ये डिक्शनरी परमानेंटली डिलीट नहीं होती है, बल्कि उसके एलिमेंट डिलीट होते हैं परमानेंटली. अगर डिक्शनरी को डिलीट करना है तो पिछले वीडियो मैंने बताया था डेल स्टेटमेंट से कर सकते हैं क्लियर करना. नाउ थर्ड फंक्शन इज गेट. गेट फंक्शन क्या करता है, ये किसी भी की वैल्यू रिटर्न करता है. ओके तो इसमें आप गेट फंक्शन, इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ ए गिवन की, इफ की इज नॉट अवेलेबल देन रिटर्न्स डिफॉल्ट वैल्यू नन. अगर आपके कोई की देते हैं तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा. अगर वो की अवेलेबल नहीं है जो आप स्पेसिफाई कर रहे हैं तो आप, इट विल रिटर्न नन वैल्यू और यू कैन गेट सम रेडीमेड मैसेज. सो बाय डिफॉल्ट नन देता है, अदरवाइज आप कोई मैसेज भी रिटर्न करा सकते हैं. लाइक यहाँ देखें, ये आपकी एक डिक्शनरी है, EMPNO1001, ई नेम टॉम, पोस्ट मैनेजर, सैलरी 1,20,000. आपने ये डिक्शनरी प्रिंट किया, सो देर आर 4 पेयर ऑफ की वैल्यू एलिमेंट्स, और प्रिंट किया emp.getSalary, सो यू आर गेटिंग 1,20,000, सैलरी इज बीइंग रिटर्न्ड. emp.getJoinDate, सिंस दिस की इज नॉट स्पेसिफाइड इन द डिक्शनरी, दैट इज व्हाई इट इज रिटर्निंग नन. emp.getJoinDate, कॉमा, अगर यहाँ पर कोई मैसेज दे देते हैं, सपोज दिस की इज नॉट फाउंड इन द डिक्शनरी, देन इट विल रिटर्न नॉट अवेलेबल. तो गेट फंक्शन से आप किसी भी की वैल्यू रिट्रीव कर सकते हैं. वैसे भी आप गेट फंक्शन के अलावा भी ईएमपी ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में आप लिखते थे सैलरी, तो आपको ये 1,20,000 की वैल्यू रिटर्न करता था. तो उसकी जगह पर आप गेट फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं.
ओके आई थिंक ये आपको अपडेट कमांड सॉरी रिट्रीवल के लिए, जैसे आप लिस्ट में रिट्रीव करते थे उसी तरह से emp देन स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में आप लिखेंगे सिंगल कोट में सैलरी, सो आपको उसकी सैलरी रिटर्न करेगा, या उसकी जगह गेट फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं. दिस इज गेट फंक्शन टू रिट्रीव एनी वैल्यू फ्रॉम की वैल्यू पेयर वंस यू स्पेसिफाइड अ की. आइटम्स, आइटम्स फंक्शन रिटर्न्स द कंटेंट ऑफ द डिक्शनरी एज अ लिस्ट ऑफ टपल्स हैविंग की वैल्यू पेयर. ये आपको सपोज दिस इज द डिक्शनरी गिवन, emp डॉट आइटम्स लिखने पर ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, देखिए यहाँ पर ये लिस्ट का सिंबल है, उसके बाद डिक्शनरी की जो की वैल्यू पेयर है उसका टपल बना, एम्प्लॉय नंबर कॉमा दिस एक टपल है, ई नेम टॉम एक टपल है, पोस्ट मैनेजर अनदर टपल, सैलरी 1,20,000 अनदर टपल, सो लिस्ट ऑफ टपल इट डिस्प्लेस आइटम्स फंक्शन. ओके आइटम्स मेथड को अगर मैं आगे एक्सप्लेन करूं और, तो आप लिस्ट वन इसे लिस्ट के फॉर्म में स्टोर कर लीजिए, emp डॉट आइटम्स, emp डॉट आइटम्स को आपने लिस्ट के फॉर्म में ले लिया. अब लिस्ट से एक एक एलिमेंट एक्सेस करोगे फॉर x इन लिस्ट वन, तो लिस्ट वन का पहला टपल x में आएगा, उसे आपने प्रिंट x कर दिया तो फर्स्ट टपल इज प्रिंटेड लाइक दिस. सिमिलरली सेकेंड टपल ई नेम टॉम, थर्ड टपल इज दिस, फोर्थ टपल इज दिस. जैसे लूप के थ्रू ईच टपल कैन बी एक्सेस्ड, और लूप के अंदर लूप लगा करके आप टपल का हर एलिमेंट इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं. ये एक डिक्शनरी है, लिस्ट इज इक्वल टू ई एम पी डॉट आइटम्स, आइटम्स की लिस्ट आ गई इसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ टपल्स. अब आपने क्या किया यहाँ पर, ये तो हेडिंग है, चलिए ये भी हेडिंग है, फॉर ky, val in list1. अब list1 में आप समझ रहे हैं कि दो दो का पेयर है टपल के फॉर्म में, लिस्ट के फॉर्म में आ गया, दो दो का पेयर टपल के फॉर्म में, तो दो पेयर में पहला पेयर की है दूसरा पेयर वैल्यू है, तो उसको आप फॉर लूप में ले लिए, प्रिंट ky की प्रिंट कर लिया, उसके बाद उसकी वैल्यू प्रिंट कर दिया, देन लाइन इज ड्रॉन एट द एंड आउट ऑफ द लूप. तो ये आपकी हेडिंग हो गई, पहली टपल की एम्प्लॉय नंबर और 1001 की और वैल्यू प्रिंट कर दिया, की और वैल्यू दूसरा, की वैल्यू थर्ड, की वैल्यू फोर्थ पेयर हैव बीन प्रिंटेड एंड एट द एंड वन लाइन हैज बीन ड्रॉन. सो आप क्या कर सकते हैं, आइटम्स से केवल आइटम्स आप यूज करेंगे तो एक लिस्ट ऑफ टपल्स मिलेगा, किसका टपल, की वैल्यू पेयर का टपल मिलेगा, उन टपल्स को आप इंडिविजुअली फॉर लूप से एक्सेस कर सकते हैं, और उस फॉर लूप के अंदर भी फॉर लूप लगा करके की और वैल्यू को इंडिविजुअली एक्सेस किया जा सकता है, लाइक दिस एग्जांपल. तो दिस इज आइटम्स मेथड. कीज मेथड भी इसी तरह से क्या करता है, इट रिटर्न्स द लिस्ट ऑफ कीज ऑफ द डिक्शनरी लाइक दिस, लिस्ट वन इज इक्वल टू emp डॉट कीज, प्रिंट लिस्ट वन, आप लिस्ट को प्रिंट करते हैं तो इस तरह से लिस्ट ऑफ कीज यू विल गेट, इसमें एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, पोस्ट एंड सैलरी, इसकी एक लिस्ट बन के आएगी. इस लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए यू कैन जस्ट यूटिलाइज द फॉर लूप, फॉर एक्स इन ई एम पी डॉट कीज या फॉर एक्स इन लिस्ट वन, प्रिंट एक्स करेंगे तो इंडिविजुअल कीज कैन बी एक्सेस्ड लाइक दिस. ओके सो कीज फंक्शन returns the list of keys of the dictionary which can individually be accessed using for loop. Sixth function is values. इसी तरह से keys function की तरह it returns the list of values from key value pair in a dictionary. इसी तरह से dictionary के key value pair में से values की एक list तैयार हो जाती है, that is returned by emp.values function. Dictionary name dot values function से आपकी list of values will be obtained from key value pairs of the dictionary which can individually be accessed using for loop. For x in list1, list1 में क्या है, emp.values है और ये आपने वो list print करके दिखा दिया और उसके individual elements को access करना है तो for x in list1 print x, जैसा आप list में for loop के through
लिस्ट के हर एलिमेंट को एक्सेस करते थे, उसी तरह से ये किया गया है। देयर आफ्टर दैट्स ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ डिक्शनरी। यही फंक्शंस हैं एज पर द रिड्यूस सिलेबस बाय सीबीएसई फॉर सेशन 2020-21। तो हमारा जो लिस्ट का कंटेंट था वो पूरा कवर किया जा चुका है। लिस्ट को कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे कौन से फंक्शंस यूज करते हैं, ऑल दीज थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड एंड यू माइट हैव गॉट इट, यू माइट हैव फॉलोड इट वेल। सो हियर वन एग्जांपल एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिक्शनरी हैज बीन डन इन दिस एग्जांपल। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट केयरफुली। राइट ए प्रोग्राम टू स्टोर एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, जॉब एंड सैलरी इन अ डिक्शनरी and display these information on the basis of their employee number. तो यहाँ पर हम employee number को key ले लेंगे, employee name, job और salary को as a value ले लेंगे in the form of list. आप जानते हैं कि keys should be immutable type, तो keys जो है मैं string के form में लूँगा, numeric form में लूँगा, int form में, int immutable object है। उसके बाद आपकी values can be mutable और immutable, तो वहाँ पर मैं list ले सकता हूँ वैल्यूज में, और दैट इज द लिस्ट ऑफ थ्री वैल्यूज, एम्प्लॉय नेम, जॉब एंड सैलरी। लेट अस सी हाउ इट हैपेंस। एंड हेयर इन दिस प्रोग्राम आई एम गोइंग टू एंटर ईच एंड एवरी की वैल्यू पेयर दैट विल बी स्टोर्ड इन द डिक्शनरी एज पर द एंट्री डन बाय द यूजर। नाउ हेयर आई एम टेकिंग डिक्शनरी विद नेम ईएमपी विद एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज इनिशिएटेड विद एम्प्टी डिक्शनरी। I is equal to 1 will count how many key value pairs have been entered. N, enter input number of employees, as many number of employees, as many number of key value pairs will be. उसे हमने while loop से control किया, while loop को I variable से control किया जा रहा है और N से control किया जा रहा है while I less than or equal to N. इसके अंदर मैं जो भी डिक्शनरी में सेव करना है, डिक्शनरी डिफाइन करना है, उसकी सभी की और वैल्यूज को यहाँ पर दिया जाएगा इंडिविजुअली इनपुट के थ्रू। एम्प्लॉय नंबर इनपुट कर दिया, ई नेम इनपुट कर दिया, जॉब इनपुट किया, सैलरी इनपुट किया। उसके बाद ईएमपी ऑफ ईएमपीएनओ, ईएमपीएनओ मींस की है वो हमारी, एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू, ये आपने वैल्यू दे दिया ई नेम कॉमा जॉब कॉमा सेल इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। तो आपका एक पेयर स्टोर हो गया क्या। सपोज एम्प्लॉय नंबर 1101 है तो 1101 कॉलन देन इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट से एम्प्लॉय नेम अमन कॉमा क्लर्क कॉमा 25,000 एज ए लिस्ट। तो लिस्ट जो लिस्ट के फॉर्म में की वैल्यू पेयर दिया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से कुछ आप यहां से देख सकते हैं 1001 कॉलन और ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज सेम की होगी, 1002 कॉलन ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज टॉम की होगी। इस तरह से यहाँ पर हमारा स्टोर होगा डिक्शनरी के फॉर्म में। I इक्वल टू I प्लस 1 विल रिवर्ट बैक, विल टर्न बैक टू रिपीट द लूप। I का सेकेंड इटरेशन अगेन इट विल आस्क फॉर एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, जॉब एंड सैलरी। सेकेंड की वैल्यू पेयर विल बी एंटर्ड इन द डिक्शनरी यूजिंग दिस एक्सप्रेशन emp ऑफ empno इज इक्वल टू ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज फॉर एम्प्लॉय नेम, जॉब एंड सैलरी। तो इस तरह से जितने इटरेशन कराना चाहें, जितने की वैल्यू पेयर आप इसमें डिक्शनरी में ऐड करना चाहते हैं, उतने इटरेशंस किए जाएंगे और आपकी डिक्शनरी पॉपुलेट हो जाएगी विद की वैल्यू पेयर्स, जहां पर की एक इंट वैल्यू है और वैल्यू जो है उसका दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ थ्री एलिमेंट्स दैट इज एम्प्लॉय नेम, जॉब एंड सैलरी। यू माइट हैव फॉलोड इट। नाउ हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया 80 कैरेक्टर्स की डैश की, और उसके अंदर में ये ईएमपी डिक्शनरी प्रिंट कर दिया। तो ईएमपी डिक्शनरी प्रिंट होने पर क्या दिख रहा है आपको, इस तरह से दिखाई पड़ेगा, ओके। और अगर इतने पार्ट को मैं एग्जीक्यूट कराऊं तो आप देख सकते हैं, पहले नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पूछा, मैंने 2 डाल दिया, 10 डाल सकता हूँ, 20 डाल सकता हूँ, 100 डाल सकता हूँ। देन इट इज आस्किंग फॉर एम्प्लॉय नंबर 1001, एम्प्लॉय नेम आपने डाल दिया, पोस्ट डाल दिया, सैलरी डाल दिया, तो एक पेयर तैयार हो गया की वैल्यू का, क्या 1001 कॉलन देन लिस्ट ऑफ दीज थ्री वैल्यूज। देयर आफ्टर इट इज अगेन आस्किंग फॉर एम्प्लॉय नंबर 1002 और उसका डिटेल दे दिया गया,
सिंस यहाँ पर आपने नंबर ऑफ इम्प्लॉयज दो दे रखा है, इसलिए ये लूप दो बार इटरेट होगा और दो इम्प्लॉयज का डिटेल मांगता है। दो की वैल्यूज पेयर का ये डिक्शनरी तैयार हो गई, राइट। अब हम डिक्शनरी को रिट्रीव कैसे करेंगे, यहां से आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, लिस्ट वन इज इक्वल टू ईएमपी डॉट कीज, मैंने उनकी कीज को रिट्रीव कर लिया एक लिस्ट के फॉर्म में, और उस लिस्ट के हर एलिमेंट को एक्सेस करूंगा फॉर लूप के थ्रू। दैट मीन्स हर की को फॉर लूप के थ्रू एक्सेस करूंगा। नाउ फॉर आई इन लिस्ट वन, यहां पर ये हेडिंग है एम्प्लॉय नंबर आई, तो पहला एम्प्लॉय नंबर की में से उठ करके आई में आएगा। एम्प्लॉय नंबर 1001 विल बी प्रिंटेड कॉलन, यहां पर एक लाइन स्टार से ड्रॉ कर दी, और वैल्यू को निकाला कैसे, ईएमपी ऑफ आई। आपको पता होगा या तो गेट से यूज करें, गेट फंक्शन ईएमपी डॉट गेट ब्रैकेट में आई, या तो ईएमपी ऑफ आई ईएमपी स्क्वायर ब्रैकेट आई डाल दें तो वो वैल्यू उसकी रिट्रीव हो जाएगी। अब यहां पर वैल्यू भी एक लिस्ट है, तो इस लिस्ट को एक्सेस करने के लिए फिर से एक लूप लगाया गया है। यहाँ पर प्रिंट ये हेडिंग है आपका ईएमपी नेम पोस्ट सैलरी, उसके बीच में टैब स्पेसिंग डाल दिया गया थोड़ा स्पेस के लिए, देन एक लाइन ड्रॉ कर दी गई। देयर आफ्टर यू कैन सी कि एक लूप लगाया गया किसके, वैल्यू वाली लिस्ट एक्सेस करने के लिए फॉर जे इन वैल्यू। अब उस वैल्यू में क्या है, एम्प्लॉय नेम है, जॉब है और सैलरी है, तीन तीन चीजें हैं, तीन एलिमेंट्स हैं इस लिस्ट में, वैल्यू नाम के लिस्ट में, तो उसको इंडिविजुअली एक्सेस करने के लिए आई हैव रिटन फॉर जे इन वैल्यू प्रिंट जे एंड में तीन दो टैब स्पेसिंग, जिससे यहाँ पर एम्प्लॉय नेम के लिए नीचे एम्प्लॉय नेम आए, पोस्ट के नीचे पोस्ट, सैलरी के नीचे सैलरी। तो एक इटरेशन में पहले जिसकी की 1001 है उसका एम्प्लॉय नेम जॉब एंड सैलरी डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह से जब ये यहाँ पर इटरेट करके जाएगा इट विल पिक अप 1002 एंड फॉर दैट द वैल्यू लिस्ट विल बी क्रिएटेड विद द लिस्ट ऑफ कंटेंट दैट इज एम्प्लॉय नेम जॉब एंड सैलरी एंड फॉर दैट दिस लूप विल मूव थ्री टाइम्स विल प्रिंट एम्प्लॉय नेम जॉब एंड सैलरी। सो लाइक दैट की आप एक्सेस करते हैं और की के थ्रू उसकी लिस्ट ऑफ वैल्यूज एक्सेस करते हैं, क्योंकि वैल्यू यहाँ पर की वैल्यू पेयर में लिस्ट के फॉर्म में है। तो वी कैन सी द आउटपुट, एम्प्लॉय नंबर प्रिंट हो गया, उसके बाद उस पार्टिकुलर एम्प्लॉय नंबर का एम्प्लॉय नेम पोस्ट और सैलरी, फिर अगला एम्प्लॉय नंबर रिट्रीव हुआ की, और उस की के लिए ये इटरेट हुआ टॉम मैनेजर और 95,000। So this way you can retrieve all elements of the dictionary key value pair में से मैंने key print कर लिया, उसके बाद जो value की list है उसको हर element को यहाँ पर print कर लिया। So this is the output. Once your dictionary elements are populated by inputting it as many times as for as many employees as you want, so our dictionary is prepared. Out of this dictionary keys are accessed और उस key की हर एक लिस्ट बन गई, और उसको इस तरह से सभी डिक्शनरी के एलिमेंट्स को एक्सेस किया जा रहा है। आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू। मैन्युअली यू कैन टाइप दिस प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर एंड सी द इफेक्ट एंड आउटपुट। इसी तरह से मैंने आपके लिए एक एक्सरसाइज और यहां पर दे दी है, सिमिलर एक्सरसाइज है जैसे कि मैंने पीछे बताया, इसी तरह की एक्सरसाइज है, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें कि एन नंबर ऑफ कंट्रीज देनी है, उनके कैपिटल और करेंसी इनपुट कराने हैं, कैपिटल और करेंसी को लिस्ट के फॉर्म में ले लीजिएगा, नेम ऑफ कंट्री को की डिफाइन कर देना, जितनी भी कंट्रीज का करना है आप इनपुट करके यू कैन पॉपुलेट द डिक्शनरी एंड देयर आफ्टर आउटपुट को इस तरह से आप डिस्प्ले करा सकते हैं। आउटपुट डिस्प्ले हो जाए पूरी डिक्शनरी का तो आप उसमें एक किसी कंट्री का नाम सर्चिंग के लिए डाल दीजिए, जो कंट्री का नाम आपने सर्च के लिए डाला है उसका कंट्री नेम कैपिटल और करेंसी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाना चाहिए। अगर वो कंट्री उसमें नहीं मिले देन इट शुड डिस्प्ले सम एरर दैट दिस पार्टिकुलर कंट्री इज नॉट फाउंड इन द डिक्शनरी। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह से आपने देखा कि डिक्शनरी को तीन पार्ट में कवर किया गया और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, विच इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल टू वन एंड ऑल, it has been covered with some practical implementation also. So the chapter dictionary is completed here as per the reduced syllabus by CBSE due to COVID pandemic. Or
आगे हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।